और आज है चांद रात। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से चांद रात मुबारक रमजान की। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज के दिन की भी हमने शुरुआत कर दी। आज के दिन की शुरुआत सुबह सुबह से ही कर रहे हैं। सीधा नाश्ता कर लेते हैं, चाय है, पापे हैं। नाश्ता करने के बाद बाकी चीज आप देखते रहना, ठीक है? मतलब नाश्ता है, एक महीने बाद करेंगे क्या, कल भी करेंगे, पता नहीं। हो सकता है कि आज का नाश्ता लास्ट हो, फिर उसके बाद सहरी अगर हुई आज रात को, फिर तो नाश्ता फिर एक महीने बाद मिलेगा सुबह का। बाकी चलिए कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है भाई साहब? अभी हमने इतनी सारी जो है ना पूड़ियां मंगा ली हैं नाश्ता करने के लिए, सिर्फ चाय पी थी ना, अब ये सबका नाश्ता हो जाएगा हमारा, बाकी सबका, मिस्त्री वगैरह सबका। आज आज मैं सोच रहा हूँ दुनिया में जितनी भी चीजें सब खा लो आज, मुर्गा, चिकन, अफगानी, मतलब कुछ छोड़ो मत, टिक्का फिक्का कुछ नहीं। उसके बाद एक महीने बाद मिलते, लेकिन हर चीज से ही मिलोगे, मिलना शाम को, दिन में नहीं मिलेगा, एक महीने बाद मिलेगा, तो खा लो आज। खूब बहुत सारी पूड़ी मंगाई हमने, इतनी सारी पैकेट बनवाए हैं, पांच लोग हैं तो पांच ही पैकेट बने हुए हैं, एक एक पैकेट सबका। और आज फिर से मुन्ना मामा आएंगे फिर से, और आज हो सकता है फिटिंग करें, वायरिंग करें, इसकी दो दिन से हो रही है, आज तो इंशाल्लाह हो जाएगी। अभी धूल में मतलब हम घिरे हुए हैं, तो मामा भी आएंगे, वो धूल से ही डर के भाग गए थे, अभी आए थे वो भाग के चले, कह रहे हैं धूल नहीं है, दब जाए तो फोन कर लेंगे, तो ये दब जाएगी तब वो आएंगे। आज जितनी भी लाइटिंग वगैरह होना होगी सब करा देंगे, है ना? ठीक है भाई साहब, तो पांच पैकेट है सबके हिसाब से, एक एक पैकेट ही दे देते हैं, खुद ही खोल लेंगे। टाइम लगाऊं खोलने में, लो दे, लो, 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 लो। जब हो ना तो अब बाहर मिस्त्री खा लेंगे और हम अंदर खा लेंगे, ठीक है? अपने तो खोल लो पैकेट, अपने अपने पैकेट खोलो ना, ओए है बाहर धुंध देखो। चलो भाई साहब अपनी पूड़ियां खुलवा लेते हैं, ये हमारी भी खोल लो, हमारी कौन किसकी है, खाने पीने भी नहीं दे। अरे कौन है, कौन है? मुन्ना मामा आ गए, ये लो दब गई तू ही। हां भाई, हां दब गई धूल, मुन्ना भाई आ जाओ, दब गई। हाँ हाँ ठीक है, अब वो ना तार डालेंगे, तार ठीक है, अब आ रहे। चलो जब तक खा लेते हैं। तो बाहर यहाँ पर देख सकते हैं, जब दीवार पर ग्लेंडर लगता है ना तो बहुत ही ज्यादा धूल हो जाती है, और बाकी वहाँ पर जो हमारा स्लेप कटा था उसकी किनार वगैरह रह गई है तो वो सेट हो रही है। बाकी यहाँ पर मिस्त्री जो है अपनी टाइल लगाना शुरू कर चुके हैं, अब बॉर्डर मतलब लग रहा है गिरदी वाला, और बाकी वायरिंग का भी काम लगभग शुरू हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं मुन्ना मामा लटके हुए हैं और अपनी बॉर्डर भी यहाँ तक कम्प्लीट हो गई। और दोपहर का टाइम हो चुका है, पापा लेकर आ चुके हैं समोसे, जैसे कि आप देख सकते हैं गरम गरम है। क्या करें, सब रेत, चारों तरफ रेता ही रेता है, आधा तो रेता खा लिया होगा आराम से खाते हुए। पलट दो सब तसले में, थालियां तैयार जाने के लिए। तो अब यहाँ पर देख लो मलबा जो है बिछा दिया गया है, ईंटों को तोड़ तोड़ कर, पापा ईंटें तोड़ तोड़ कर बिछा रहे हैं, बाकी अपना बॉर्डर का काम पहुंच चुका है यहाँ तक, और ये पूरा मलबा बिछ जाएगा, जितना एरिया ये बचा यहाँ पर भी टाइल्स बिछने वाली है। हमारे पैर देख सकते हैं, खूबसूरती वर्ल्ड के बेस्ट पैर हैं अभी हमारे, और यहाँ पर ये जो हमारे पुराने ताक थे दादा परदादा के जमाने के जो भी हैं, जब के भी हैं, आज ये बंद हो जा रहे हैं ईंट लगकर, टाइल लगकर, और इसके ऊपर देख सकते हैं ये वॉश बेसिन एरिया होने वाला है, तो टाइल्स लगना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ठीक है भाई साहब, आज का भी काम हो चुका है ख़त्म, जितना भी वायरिंग का काम था वो कर गए हैं मुन्ना मामा, और मतलब अंदर तक की जितनी वायरिंग थी वो सारी हो गई है, बाहर की थोड़ी सी बची है, और टाइल वाले मिस्त्री भी अपना काम खत्म करके निकल जा चुके हैं। और अब जैसे कि हर रोज काम होने के बाद लगते हैं सारे लोग वो करने में, सफाई करने में, सो लग चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यस, फिर उसके बाद लेटने बैठने का ठिकाना होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है, थोड़ी सी ये टाइल कंप्लीट हो चुकी है जो कि वॉश बेसिन एरिया होने वाला है, ये तो अभी ये रह गया है थोड़ा सा काम होने को, बाकी भी बहुत काम है। उधर वो भंडरिया जो थी वो टूट गई है, और वहाँ पर भी प्लास्टर वगैरह होगा, बहुत सारे काम अभी बचे हुए हैं, जाने कब काम खत्म होगा इसका कोई आइडिया है ही नहीं, काम ही काम है, नीचे ही अभी इतने काम है कि पूरे रमजान तो निकलना ही निकलना है, क्योंकि सिर्फ इतने ही काम नहीं है, बहुत है, फर्नीचर वगैरह बहुत सारे काम है, सब होना है, पीओपी, फर्नीचर, पुट्टी, सारे काम। अगर
रोजे चलते रहेंगे, मिट्टी खाते रहेंगे आराम से। तो गाइस अभी फिलहाल जितनी भी साफ सुथराई मम्मा को करना थी वो मम्मा ने कर दी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी साफ सुथराई मम्मा ने कर दी है। बहुत ही मेहनत पर लगी हुई है, खिसिया खिसिया इसको। और अब खाना खाने का टाइम हो रहा है तो यहाँ पर दस्तरखान बिछवा देते हैं मम्मा का। और आज है चांद रात, तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से चांद रात मुबारक, रमजान की अच्छे से रमजान रखना, पूरे रमजान रखना, बिल्कुल भी कोशिश मत करना खाने पीने की, और सारे ही रखना, बिल्कुल भी चीटिंग वीटिंग नहीं चलेगी। नमाज खूब ध्यान से पढ़ना, जितनी पढ़ पाओ ज्यादा से ज्यादा, ठीक है अम्मा? हैं? क्या है, क्यों परेशान कर रहा है? यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक है, मैं भी लेकर आया था, और ये लेकर आया हूँ चिकन टिक्का। तो यहाँ पर ओपन कर रही है मम्मा चिकन टिक्का, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी कोल्ड ड्रिंक के साथ इसका हाजमा भी कर लेंगे। बेकार हो जाता है यहाँ तक आते आते, फायदा क्या है? ये तार क्यों, ये रोगन क्यों डलवा लाते हैं? सूखा सूखा अच्छा लगता है मुझे। इसमें भी रोगन डले हुए है? अरे रोगन नहीं है, बटर है। हाँ कुछ भी बटर, बटर क्यों डलवाया? बटर रोगन नहीं हुआ, नहीं डलवाया करो, मुझे पसंद नहीं है भाई। चलिए गाइस, तो अपना खाना पीना जो है वो हो चुका है, और यहाँ पर निकाल लिया आप लोगों के कमेंट। कमेंट जो है ना दो तीन लोगों ने किए, पहला है सना शेख का, कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कह रही हैं आप सबको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। तो आपको भी भाई, आपको भी, और नाइस व्लॉग, और कह रही है दुआ में याद रखना, तो शुक्रिया आपका। हमको भी याद रखना, शुक्रिया आपका भाई। और अगला कमेंट है वाहिद खान का, आकिब ने किया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सबको रमजान मुबारक बोल रहे हैं, तो आपको भी, बिल्कुल आपको भी भाई। लास्ट कमेंट है इमरान सैफी का, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कह रहे हैं सो फनी व्लॉग और पहली सहरी मुबारक, तो आपको भी भाई अच्छे से करें, अच्छे से रोजे रखे पूरे के पूरे, अब तो सारे के सारे रखना, चीटिंग बिल्कुल नहीं चलेगी। पहले तो गर्मियों का बहाना हो जाता था, अब नहीं चलेगा भाई, सर्दियों में आ गए रोजे। तो ठीक है गाइस, आज के व्लॉग को भी यहीं पर एंड कर देते हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना भाई। मिलेंगे कल के नेक्स्ट व्लॉग में, हमारा घर जल्दी से तैयार हो जाए। यस गाइस, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप रोजों में मैं सारी तैयारी कर दी थी, अब की बार तो बस यही है। हाँ। जैसा है तो चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक गाइस अल्लाह हाफिज, बाय 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 बाय।